हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिल्पा और मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप घर पर ही कुकर में किस तरह से तंदूरी रोटी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे कि हम होटल में तंदूरी रोटी खाते हैं। तो एक बार में ही मैं चार रोटियाँ बना लूँगी, चार तंदूरी रोटी। तो आप चाहे तो बिल्कुल सिंपल भी बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे रोटी में थोड़ा सा घी लगाया है पहले इसे अच्छी तरह से, और बाद में इसे इस तरह से एक ऐसी शेप दी है। मैंने इसे लच्छा परांठा की तरह बनाना है। फिर मैंने इसे ऐसे गोल करके इसका पेड़ा बना लिया है। चारों पेड़ों को मैंने कुछ इस तरह से करके पहले मैंने रख लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे करना बहुत ज़्यादा आसान है, आप अपने आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। चारों रोटियों को मैंने पहले ऐसे ही बना के रख देना है, क्योंकि हमने एक बार में ही चारों रोटियों को कुकर में लगा देना है। ये फ्रेंड्स खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी होती है। आप चाहे तो इसे सब्जी के साथ या फिर दाल के साथ या फिर नॉनवेज के साथ भी खा सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो ये देखिए कुकर अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अगर आपके पास कोई पुराना कुकर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि तंदूरी रोटी बनाने से कुकर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर हमारा पुराना कुकर था, मैंने उसी का यूज़ किया है। चारों रोटियों को मैंने कुछ इस तरह से बेल लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। एक साइड पे ही मैंने पानी लगाना है, जिस साइड हमें कुकर पे रोटी को चिपकाना है सिर्फ उसी साइड हमें पानी लगाना है, दूसरी साइड नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से मैंने इसे कुकर पे लगा दिया है। चारों रोटियों को मैंने इसी तरह से इसे कुकर पे लगा देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट के लिए आपको इसे ऐसे ही रखना है। बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं, आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, चारों रोटियों को मैंने कुकर में अच्छी तरह से लगा लिया। अब मुझे कुकर को उल्टा कर देना है और गैस को तेज कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी क्रिस्पी तंदूरी रोटी बन चुकी है। चिमटे की हेल्प से मैंने इसे ऐसे निकाल लिया। बहुत ही आसानी से ये घर पर ही बन जाती है और इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि हम होटल में खाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर अब मैं थोड़ा सा घी लगा रही हूँ, देसी घी। इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्पी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए।